वेलकम टू द एंड अदर ग्रेट एपिसोड ऑफ नेशनल कप पाकिस्तान और आज मैं हूँ वैली सवात में। सवात का पुराना नाम था स्वात्सु, यानी कि चमकता हुआ पानी। तो आई एम गोना एक्सप्लोर सवात इन दिस एपिसोड ऑफ नेशनल कप पाकिस्तान। सवात वैली में जो मैंगोरा है उसका जो मेन बाजार है, उसको कहते ही मेन बाजार है, सुबह 8:30 बजे यहाँ पे बाजार खुलना शुरू हो जाता है और बेताशा रश हो जाता है एज द डे गोज बाय। खासतौर पर वजह ये है कि कुछ तो टूरिस्ट है, इसके अलावा जो आसपास की वैलीज है वहाँ से लोग आके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। हिदायतुल्लाह साहब मुझे अपनी शालें दिखा रहे थे और बता रहे थे 80 साल पुरानी शाल, आई थिंक जनरेशन की जनरेशन बदल गई और शाल आज तक महफूज है। इसकी क्या अहमियत है, क्या वजह है कि 80 साल पुरानी शाल इतनी महंगी क्यों है? असल में पहले इस तरह होता था ना, जब एक घर में लड़की पैदा होती थी उसकी माँ उसी वक्त से शुरू कर देती, काटना शुरू कर देती थी। जब वो 16 साल के हो जाती थी वो शाल भी खत्म हो जाता, जब शादी हो जाती थी तोहफे में देती थी। हाँ, तो ये तोहफा होगा किसी का। एक अच्छी में और बुरे में पहचान क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये शाल आप देखें जी, हाँ, इसमें आपको कोई मतलब कोई गलती वलती नजर नहीं आएगी। सही है। अभी आप इसके मुकाबले में ये शॉल देखें फॉर एग्जाम्पल, ये इतना मोटा 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 काम है और आपको हर जगह से ना वो उसका चीड़ा वीड़ा ये नजर आएगा, ये नया काम है। तो ये इसकी कीमत क्या है आज अगर हम? ये आपको 4.5 लाख रुपए का। कौन लोग लेते हैं इसको? इसके लेने वाले तो मेरे पास जो आते हैं फ्रांस से आते हैं, इटली से आते हैं, जर्मनी से आते हैं। अच्छा, उनको पता है? ये वो टूरिस्ट है जो कि घूमता है और यहाँ की सौगात लेके जाता है? नहीं, लोगों को इसके बारे में पता है। अच्छा, स्वाति फुलकारी आप अगर ये शॉप हेवन है उन कलेक्टर्स के लिए जो कि खास तौर पे यूनिक और एंटीक चीजें, खास तौर इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ तो खजाना रखा हुआ सर आपने। बस अक्सर बाज़ औक़ात हम भी ले जाते उधर जाते हैं और ढूंढते, सही है, और बाज़ औक़ात जो लोग इधर काम वाम करते तो उसके हाथ आता है। अच्छा, फिर उसको बाजार में लेते हैं, हम उसे खरीदते हैं। सर मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड एक चीज में नजर आ रही है, ये चक्की। अच्छा, ये क्या पहले इस्तेमाल होती थी? हाँ, ये पहले इस्तेमाल होती थी। किस ऊपर से डालेंगे? दाने डालते थे और इसमें से फिर ये नीचे निकलते थे, वो पीसते थे ना इस तरह। अभी तो जाम हो गई है, क्या वजह? ये बहुत अरसा हुआ है ना, अगर हम उसको खुलते तो फिर ये टूट जाएगा। वाह भाई वाह, सर थैंक यू सर, बहुत प्यारी चीज़ आपके पास। स्वात के साथ एक छोटा सा गांव है इस्लामपुर और ये फेमस है अपनी कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पे खवातीन और मर्दों की चादरें और शॉल्स बनाई जाती हैं। ये जगह मुझे बहुत फैसिनेट करती है, खासतौर पर यहाँ के कारीगर, इस तरह के लोग जो काम करते हैं छोटे पैमाने पे। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू विजिट दिस स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। रात ये एक ही खड्डी जो है पूरा पूरा काम करती है? इसका ये जो है ना स्टार्ट पॉइंट है, अभी इसमें ये डिजाइन जो है ना कर रहा है। अच्छा, ये वो जो बॉर्डर लगता है, हाँ हाँ, डिजाइन मुकम्मल कर रहा है। इसके बाद जो है ना ये काम करेगा, इसकी जो है ना एक एंड पॉइंट होती है। अच्छा, जहाँ खत्म हो जाता है, चादर खत्म हो जाती है। रात ये दो तीन धागे पड़े हुए, ये कौन सा धागा है? इसमें ज्यादातर जो है ना ऑस्ट्रेलिया बेड बकरियों से जो है ना काटते, फिर वहाँ से ला के इधर मशीनियों पर जो है ना मार देते। बहुत सारे जो है ना क्वालिटी वो औरतें घर में बनाती है मदद से। ये बड़ी क्राफ्टमैनशिप है यहाँ पे, इनको ना बिजली चाहिए ना गैस चाहिए, पूरी की पूरी मशीन हाथ से ही चल रही होती है। एक ऐसा आपको एहसास होता है कि बीट्स बिल्कुल सिंक कर रही होती है दूसरे के साथ, एक म्यूजिकल शो का। और खास तौर पर जिस तरह के पांव चल रहे होते हैं और फिर वो हाथ का काम होता है, आई थिंक इट्स अ फाइन क्राफ्टमैनशिप का नमूना है जो आप यहाँ आके देख सकते हैं। जो रंग चढ़ते हैं कपड़ों पे, पहले आपके पास धागा आता है कोरा, उसको यहाँ रंगते हैं आप, हाँ।
और उसके बाद फिर ये अगला प्रोसेस जो होगा वो होगा। बस ऊन ऐसे होते हैं कि जिनके अपने रंग अच्छे होते हैं तो उसके लिए हम जो है ना ये धागा को दोबारा रंग देते हैं। सही है। जिनके रंग अच्छे नहीं होते तो हम उसको पहले यहाँ लेके आते हैं धुले हुए। अच्छा। बाद में उसको जो है ना रंग देते हैं। पहला धागा कढ़ाई में जाएगा? जी जी, पहला धागा कढ़ाई में जाएगा। और वो साथ में टेबल पर रंग रखा हुआ है? हाँ, उस पर टेबल रंग रखा हुआ है। उसके साथ जो है ना एक सैंपल जो है ना रखी हुई है, जिस सैंपल से उसको रंग देना है ना उसको उसको जाना मैच करते हैं। सही करते। मुझे नहीं अंदाजा था कि एक सिंपल चादर जो हम बाजार से लेते हैं उसके लिए कितनी मेहनत दरकार है, और वो फाइनल चीज़ हम तक पहुंचाती है जो हमें बहुत प्यारी लगती है, जिसके लिए हम थोड़ा नेगोशिएट करते हैं प्राइस के। लेकिन नाउ आई नो कि नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियली बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। यहाँ एक रूल है इन बागात का कि जो चीज़ अल्लाह की ज़मीन पे है, पड़ी हुई है, ये फ्रूट यानी के वो आप उठाएं और खा सकते हैं, लेकिन कोशिश ना कीजिएगा कि लगे हुए दरख्त से तोड़ें और खाएं, क्योंकि ये उनका सौदा है। ज़मीन की चीज़ ओके है, इसको इंजॉय करें। देखें कितने करीब ये लटक रहे हैं ज़मीन पे, और कलर जिनके जो हमें मिलते हैं उसका ना वो फ्लेवर होता है, ना वो क्वालिटी होती है, और ताजगी भी नहीं होती। ये देखें इनमें कलर में चमक नहीं होगी, हमारे पास चमकते हुए नहीं मिलते हैं। यहाँ का जो फ्रूट है 60% पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत होता है। दिस इज द बेस्ट यू कुड गेट। बारिश और व्हाइट पैलेस, आई थिंक सबसे अच्छी फील आपको इसी जगह पे आके मिलेगी। ये व्हाइट पैलेस 1941 में वाली स्वात ने बनाया था अपने लिए एक रिजोर्ट टाइप का फॉर समर। इसको सफेद महल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है, और ये वो पत्थर है जो कि आगरे से मंगवाया गया। यही चीज आपको मिलेगी ताज महल में। अब ये जगह कन्वर्ट हो गई एक होटल में। बड़े मजे की बात है कि यहाँ लियाकत अली खान साहब यहाँ पे आ चुके हैं, और मलका विक्टोरिया वो भी यहाँ पे आके रह चुकी हैं। ये महल 3 लेवल्स पे तामीर किया गया। पहला वाली स्वात का अपना रेजिडेंस थी, उसके ऊपर प्रिंस और शहजादों की जगह थी, और सबसे टॉप पे क्वीन और प्रिंसेस की जगह थी जहाँ पे वो लोग रहते थे। खास तौर पे यहाँ जो इन्होंने बागात बनाए हुए हैं, फिर बैठक की जगह है, हर जगह का अपना फील है, साथ में पूरी वादी का नजारा कर सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट रेजिस्ट एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल व्हाइट पैलेस। पल में तोला पल में माशा, क्योंकि यहाँ का वेदर बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, एकदम बारिश फिर धूप। खैर जनाब, इसको एंजॉय करो हल्की जो धूप है खुनकी के साथ साथ। और ये वो फ्लोर है जहाँ पे प्रिंस रहते थे, उनके रूम्स हैं अभी तक मेंटेन्ड है, वेरी नाइस। ये सबसे टॉप का पोर्शन है पैलेस का, दो क्वींस थी उनके लिए था इक्वल डिवाइड, और वो हर एक के पास पोर्शन में उतने ही कमरे हैं, लॉन है, और साथ ही साथ इसके टॉप पे जो रूम्स हैं वो इनके मेट्स के रूम थे। तो बड़ी अच्छी बात है कि इक्वालिटी पे बिलीव था, और हर चीज बराबर की बुनियाद पे यहाँ पे बनी हुई है। ये वो जगह है जहाँ शहजादियाँ आके हम शो जगह इंजॉय करती होंगी, खाती पीती होंगी, क्योंकि बेंचेस भी लगी हुई हैं, और नज़ारा यूँ बहुत अच्छा है कि आपके पीछे पहाड़ है, पूरी वादी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, तो हम शो ये उसके लिए यूज़ करती थी। जगह बहुत पीसफुल है, सूदिंग जिसे कहते हैं वर्ड सूदिंग, अगर आपको इंजॉय करना हो आई थिंक इट्स नाइस, गर्मा गर्म चाय यहाँ हो तो क्या बात है। बहुत प्यारी इन्वायरमेंट है, पानी बह रहा है, बेसिकली पहाड़ों से गिरता हुआ पानी यहाँ से गुजर रहा है। खैर जी, सोचा कुछ ना कुछ पेट पूजा हो जाए, चिकन सैंडविच टिपिकल वाला, थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट को बलवा लिया था, बारीक शेड नहीं कर रहा मैं, थोड़ा मोटा मोटा रख रहा हूँ ताकि जब खाएं तो पता चले इसमें चिकन है। साथ में सोचा कि हॉट चॉकलेट बनाई जाए, दूध को चढ़ा दिया है, नाइस हॉट चॉकलेट रिक्वायर्ड, हल्की सी खुनकी है, बड़ा मज़ा देगी इस पर हॉट चॉकलेट। बेसिक सीजनिंग नेशनल का आइडिया है, सॉल्ट, अब डालेंगे इसमें नेशनल की काली ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर के लिए हल्का सा, लिटिल बिट मेयोनीज, डिपेंड करता है आपको कितना क्रीमी पसंद है, हम लोग अगर कोई क्रेजी की बहुत ज़्यादा इसमें मेयोनीज डाल दूँ। फॉर रियल टोमेटो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नेशनल का टोमेटो केचप, बिल्कुल टोमेटो का मज़ा खाने में, हमारे जो सैलड में सैंडविच में जान डाल दे, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सीजनिंग चेक करते हैं, नाइस,
वॉल का जो केक था मुझे टोमेटो का आ रहा है ब्रेड, अच्छा डिपेंड करता है, मुझे ज़रूरत नहीं कि अच्छी लगती मुझे साइड्स, आपको पसंद है काटना आप काट लें, मज़ा तो आए जो खा रहे पता चले इसमें चिकन है कि नहीं है। ब्रेड एक रखी इसके ऊपर, अरे फील तो हो थोड़ा वजन तो हो, बात मैंने देखा कि बहुत कम लगाते हैं, जिस दिखाया और चले गए, आई थिंक हैज़ टू बी लोडेड। ओके जनाब ये सो आई एम गोना मेक फ्यू मोर और ये रखते हैं, यू गॉट टू कम एंजॉय दिस वेदर, सो ब्यूटीफुल, बहुत मज़ेदार। लोग कहते हैं वेदर मज़ेदार नहीं होता, चीज़ें मज़ेदार होती हैं, लेकिन मुझे क्योंकि मुझसे बातें कर रहा है ये मौसम कह रहा है यू नो यू कैन फील इट। मैं अपने स्विम सूट लेके नहीं आया, जम लगा लेता, नहीं उस पर आप नहा नहीं सकते, ये थोड़ा सा डेंजरस है, पत्थर है आपको काट भी सकते हैं। दूध में ऑलमोस्ट उबाल आया है, चाहता ज़रूरी नहीं कि पूरा उबाल आए, थोड़ा सा मैं यहाँ मिक्स कर लेता हूँ ताकि ईजी रहे मुझे मिक्स करने में। ओके जनाब गुड क्वालिटी कोका पाउडर मैं यहाँ पे इससे मिक्स करूँगा ताकि लम्ब्स ना पड़े, अच्छे ठंडे मौसम में अ गुड कप ऑफ हॉट चॉकलेट, हाँ यस में डाला थोड़ी सी चीनी, डिपेंड करता है कितनी आपको पसंद है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे वेदर बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा होता है, बिल्कुल साया बारिश एकदम धूप, इट्स जस्ट फन, कितना मज़ा आएगा आपको किचन में ऐसे ही हो, पानी बह रहा हो निकले ठक से धोया, हमें दो तीन स्टेप लेने पड़ते हैं, स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचर का गॉड गिफ्टेड स्प्रिंग वाटर। अंडे की जर्दी चाहिए, सफेदी मैं यूज़ नहीं करूँगा, जर्दी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, अब क्या करेंगे सो चीट करेंगे थोड़ा सा, मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूंगा तो वो एकदम फट जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ ला के हल्का सा हॉट चॉकलेट इसमें डालूंगा और उसको टेम्पर करूंगा, मीन्स इसको टेम्परेचर ऊपर लेके आएंगे फिर हम इसमें ये डाल के ठीक कर लेंगे, थोड़ा पकने देंगे यहाँ तक कि थोड़ा सा रिच एंड क्रीमी टेक्सचर का आ जाए। अब ये रेडी टू गो है इसके अंदर, सही जी लेट इट कुक फॉर अनदर 2 से 3 मिनट, ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे जैसे कस्टर्ड गाढ़ा होता है वैसे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तरीन सैंडविच घर से बना के ले जाएं, जैसे हमने कहा ब्रेड लेके आए चिकन उबाल के लेके आए यहाँ बैठे, उसमें होता क्या है जब आप बना रहे होते हैं लोगों से गपशप हो रही होती है पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है एंड यू कम अप विद अ बेटर फूड रादर देन कि वो बना के लेके आए, टिपिकल सा ताज़े की बात ही अलग होती है। ये है हॉट चॉकलेट, आय हाय हाय हाय। ओके जी निकालेंगे इसको ग्लास में, गर्मा गर्म रिच चॉकलेट, इट्स गुड, इन्जॉय करें आउटडोर कुकिंग को, इन्जॉय करें अपने पाकिस्तान को, बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत मज़ेदार प्यारे लोग हैं, मिलनसार हैं, बहुत खलूस के साथ मिलते हैं, और जनाब यही है हमारे खाने, हमारा प्यार, हमारा नेशनल का पाकिस्तान। आज स्वाद के अंदर भी वैसे ही फील आ रहा है जैसे किसी बड़े शहर में जब शाम होती है अंधेरा होता है दुकानें बंद हो रही होती हैं लेकिन साथ साथ ईटरीज खुलना शुरू हो जाती हैं, तो आई एम गोना एंजॉय द लोकल फूड क्योंकि दिस इज माय पैशन, लेट्स गो एक्सप्लोर सवाती फूड। जैसे कराची में बिरयानी या लाहौर में मुख चने, यहाँ पे स्वाद में सरप्राइजिंगली मछली, मछली बहुत फेमस है, आपको बहुत से आउटलेट्स नजर आएंगे जो कि मछली फ्राई कर रहे हैं बेच रहे हैं। सर ये जो बेसिक मसाला है इसका जो लगा हुआ है कौन सा मसाला है? ये इसमें 4-5 किस्म का मसाले होते हैं, 4-5 किस्म के मसाले होते हैं, धनिया होते हैं और दूसरा जीरा होते हैं, धनिया जीरा लाल मिर्ची होंगी, बहुत अलग लगाते हैं। क्या वजह है यहाँ पे लोग इतना मछली पसंद से खाते हैं स्वाद में? स्वाद का मौसम जो है ना ऐसा ही है कि भाई कह रहा है कि मौसम की वजह से ठंड है थोड़ा, लोगों को मछली ज़्यादा पसंद आती है। सर मैंने चखनी एक आपकी मछली का पीस छोटा वाला, मज़े की बात है ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से ज़बरदस्त मॉइस्ट है, ड्राई नहीं हुई है, ओहो स्वाद में जो मछली के रेस्टोरेंट्स हैं उनकी खास बात ये कि जिस तरीके से वो एक टिपिकल चटनी देते हैं विनेगर के साथ लाल कुटी मिर्ची, और एक मज़ेदार चीज़ जो मैंने यहाँ नोट की वो आपको कहीं भी पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगी, वो जो कलर्स अपने रेस्टोरेंट को या शॉप को पेंट करते हैं वेरी शार्प ब्राइट कलर्स विच शोज द पर्सनैलिटी। स्वाद तो बहुत ही आला और स्वाद के लोग तो बहुत मज़ेदार है, ग्रेट पीपल एंड ग्रेट प्लेस टू बी एट। फाइनली मैं उस लोकेशन पे हूँ जहाँ पे कुदरती वो ख़जाना मौजूद है जिसकी हर औरत और मर्द फरमाइश करता है, वो एमरल्ड। सुना बहुत है, पढ़ा बहुत है, देखा बहुत है, आज फर्स्ट टाइम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ कि कान में किस तरह काम होता है, किस तरीके से चीज़ें करते हैं देखते हैं,
तो लेट्स गो एंड सी के कान में क्या क्या हो रहा है। बहुत बड़े पहाड़, उसके अंदर जाते हैं, रास्ते निकलते हैं, तकरीबन 300-300 फुट अंदर जाना पड़ता है, अंधेरा होता है, कहीं ना कहीं गैसेस की कमी होती है, जहरीली गैसेस हो जाती हैं, तो जान का खतरा भी होता है। पर आई एम गोना टेक अ चांस, थोड़ा वो अंदर जाके देखूं तो फील क्या आता है। चाहे आप कितने बहादुर हों, लेकिन एक खौफ, एक एहसास की चीज़ें आप पे गिर सकती हैं, पर डरावना सा खौफ एक रहता है और अंदर ही अंदर चलते जाते हैं। ये बकायदा शहर आबाद है, आई एम नॉट गोना एक्सप्लोर टू मच क्योंकि वो वी आर नॉट ट्रेंड फॉर इट, लेकिन जहाँ तक मैं आ सकता था एंड ट्रस्ट मी दिस इज मोर देन इनफ। खास बात जो मैंने यहाँ अंदर आके नोट की टनल में, एक ठंड जो बाहर से ज़्यादा ठंड आपको एहसास यहाँ पे होगा, और ख़ासकर गर्मियों में अगर आप आ रहे हैं तो अंदर जो है ज़्यादा ठंड होती है। नाउ आई नो कैमरा इतना महंगा क्यों होता है, मुझे अभी से ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई, आई डोंट नो कितनी मेहनत अंदर काम करते हैं, पर आई एम श्योर आई वुडंट बार्गेन फॉर एमरल्ड नाउ, आई जस्ट पे द प्राइस एंड विल टेक इट। ये पहाड़ों में जाते हैं, इन खजानों को तलाश करते हैं, नॉट अ ईजी जॉब। और ये पत्थर देखें किस फॉर्म में निकलता है, ये कवर्ड होता है, कहीं से हल्का सा ग्रीन उनको नज़र आ जाए तो वो आई उनको चाहिए होती है, इन कारीगरों को, इन मजदूरों को जो बताते हैं एमरल्ड है। ये भी बहुत रॉ फॉर्म में है, छोटा वाला 10-12 हज़ार का बिकेगा, 1-1.5 लाख प्लस, डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे, इसकी शाइन पे, इसकी क्लैरिटी के ऊपर, लेकिन प्रोसेस होने के बाद इसकी वैल्यू निकलेगी। सबसे बड़ी एमरल्ड की माइन फ्लोरिडा में और उसके बाद स्वात में है, तो पाकिस्तान उस कुछ नसीब मुल्क में से जहाँ पे ये स्वात के अंदर ये एमरल्ड की माइंस हैं। धूल से या मट्टी में छोटे मोटे पीसेस गिर जाते हैं, जब मट्टी बाहर आती है तो एक पॉन्ड सा बनाया हुआ जिसमें इसको बारीक छन्नी में छानते हैं ताकि ये जो स्टोन है अपनी पसंद का, जो आपको लगता है कि एमरल्ड है जिसकी वैल्यू है, वो अलग कर लेते हैं, बाकी को आप फेंक देते हैं। ये अखरोट जो यहाँ पे छील रहे हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि अखरोट का जो मेन जो फल है वो ग्रीन होगा, उसको काट के उसमें से ये शेल निकालते हैं जो कि हार्ड है। खास बात ये है कि इसका जो छिलका है उसको भी ग्रीन पार्ट को वेस्ट नहीं करते, उसको ड्राई करके बता रहे हैं कि वो उसको दंडासा जो कि एज अ टीट वाइटनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मशहूर पश्तो गाना जो ट्रांसलेट हुआ था पाकिस्तान में, पिशावर से मेरे खाते दंडासा लाना, तो अच्छा दंडासा ये है। सर कहाँ से लेके आए अखरोट को आप? पहाड़ से तोड़ के लाए हैं, ये ज़मीन पर गिरा होता था वो है, ये जंगल से लाए। मुझे भी एक दीजिए ना, मैं तोड़ूं जरा, ये नरम है थोड़ा भी। पश्तो में घुस कहते हैं, आई एम श्योर इसके और भी बहुत से इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप काबली पुलाव होता है उसमें लोग पिस्ते बादाम किशमिश डालते हैं, तो वो इसका इज़ द लिमिट, हैव फन। इसका ऑयल बड़ा अच्छा होता है, जैसे कहते हैं थोड़ा सा सैलेड के ऊपर, बहुत मज़ा आता है। ओके जनाब, आज सोचा क्यों ना कुछ चावल लोकल चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैरमल करते हैं, आम बर्तन में लेके थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, उसको हल्का जलाना है और उसका कैरमल हो जाएगा, फिर उसमें अगले मसाले डाल देंगे। बड़ा नाइस कैरमल कलर हो गया सर, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये कड़वा हो जाएगा। अब इसमें लोकल इंग्रेडिएंट्स, यहाँ बीन्स बहुत खाई जाती हैं, लाल लोबिया उबाल के रखी हुई हैं, साथ ही साथ कॉर्न मकई यहाँ पक रही थी, बेच रहे थे, छिलके मैंने ले लिए उससे, थोड़े से ये शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा पुलाव मिक्स मसाला नेशनल का, थोड़ा सा वो लेंगे। पुलाव मिक्स मसाला बेसिकली खुशबू और जायका जो एक रिवायती पुलाव में चाहिए होता है उसके लिए वो यहाँ ले लिया है। थोड़े से भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देते हैं, 10-15 मिनट भिगो लीजिएगा ताकि जल्दी से ये पक जाए। थोड़ा सा पानी कम है, मेरा एक अंदाज़ा है 1.5 इंच के करीब तक पानी के ऊपर तह पे ऊपर ले लें। थोड़ा सा नेशनल का आयोडाइड सॉल्ट इसमें डाल देते हैं, ऐसे उबाल आने पे इसका ढक्कन बंद कर देंगे और उसके बाद दम लगाएंगे 10-15 मिनट का दम, और डिश हमारी तैयार हो जाएगी। आजकल के मौसम में आड़ू लगाओ मिलेगा, इसका एक अपना मज़ा है। आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ ताज़ा है इस वजह से, तो मुझे ये बात नोट की मैंने कि हर आड़ू आड़ू नहीं होते, जैसे आम में किस्में होती हैं इसमें भी है, अपना फ्लेवर है, बहुत मज़ेदार। कुछ मुझे हल्का सा इसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, इस एरिया में आप देखें आपको नाशपाती मिलेगी। पाकिस्तान की मेजर जो फ्रूट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इस एरिया से पूरी होती है, जिसमें ग्रेप्स अंगूर हैं, नाशपाती है, आड़ू है, शहतूत है,
साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपको यहाँ पे वॉलनट्स जैसे अभी पड़े हुए वॉलनट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। इस इलाके में बहुत कहते हैं मादनियात से भरपूर इलाका है, इसी वजह से इसको कहते हैं जन्नत, ज़मीन पर जन्नत है वो ये जगह है। इवन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी इसको कहा जाता है। तो उसका आपको वैल्यू का एहसास होता है कि भाई क्या चीज़, आहा उसकी वैल्यू क्या है, अदरवाइज ईजिली आ जाए तो वैल्यू नहीं रहती चीज़ों की। ओहो यस, इसको मैं ढक्कन बंद कर देता हूँ। मैंने नाशपाती ले ली है, आड़ू ले लिए, हल्की सी चीनी और साथ ही साथ नेशनल का चाट मसाला, ये ऑल टाइम फेवरेट चाट मसाला है मेरा, थोड़ा सा चाट मसाला, दैट शुड बी इट। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें दो लोकल इंग्रेडिएंट बीन्स, लाल लोबिया उबली हुई इसमें डालेंगे, बहुत मज़ा देगी। और साथ ही साथ अखरोट, ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए ये ले लेते हैं। हाय हाय, तो मिक्स करें इसको, बेहतरीन सैलेड तैयार है। यही मज़ा है आउटडोर का, जो है वो है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा ग्लासेस में, नथिंग लाइक इट कि इन ग्लास में सर्व करें सैलेड को, एंजॉय करें। आज की डिश बिल्कुल हेल्दी है, फ्रेश फ्रूट्स के साथ आप यहाँ पे वॉलनट, जो कि कहते हैं कि रेकमेंडेड है कि थोड़ा बहुत ज़रूर खा लिया करें, फ्रूट्स हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसान दे, मां सिवाय चीनी अगर अलाउ नहीं है स्किप कर सकते हैं। और ये नेशनल का पुलाव से जो हमने पुलाव बनाया, इसकी ख़ास बात ये है कि सिंपल चावल, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं है, वही रिवायती पुलाव का मज़ा, लेकिन लोकल इंग्रीडियंट मकई और लोबिया के साथ। सिर्फ इसमें हमने क्या किया है, नेशनल का पुलाव मसाला डाला है जो कि रिवायती खुशबू और जायका देगा आपको। आप इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं, इन्जॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बताएं कि चीज़ें बनती हैं तो कैसी लगती हैं। हम तो बनाते रहते हैं आउटडोर जाके, आप भी घर पे बनाएं या फिर आउटडोर जाके बनाएं तो उसका मज़ा चार टाइम बेहतर हो जाएगा। जनाब, सो दैट वाज सवाद, अमेजिंग प्लेस, मज़ेदार लोग, आई थिंक दुनिया में अगर जन्नत है तो हमारे पाकिस्तान में और वादी सवाद में। मेरी खुदा से दुआ है कि यहाँ के लोग ऐसे ही आबाद रहें, ऐसे ही खुश रहें और ये वादी इतनी ही खूबसूरत रहे, और ना सिर्फ ये सवाद बल्कि पूरा पाकिस्तान आबाद और शाद रहे।